नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101 आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों सभी से प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबके साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों एक बड़ा सवाल है कि एन के ऊपर हमारी एक बड़ी चर्चा रहती है एन के प्रति लोग पागल होते हैं ठीक है तो एनसीईआरटी की क्या सही अप्रोच है कैसे एनसीईआरटी को पढ़ते हैं क्या फैक्ट्स है क्या मिथ है, है क्यों एनसीईआरटी की जरूरत है है ना ये बड़े मुद्दे हैं इनको हम पढ़ते हैं अच्छा ये टॉपिक मैं फाइनल टाइम कर रहा हूं एनसीईआरटी के ऊपर इसके बाद मैं एनसीईआरटी के ऊपर कोई टॉपिक नहीं बनाऊंगा ठीक है कि क्यों एनसीईआरटी जरूरी है कितनी जरूरी है कहाँ से जरूरी है कितनी पढ़नी चाहिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एवरीथिंग ठीक है आप समझ रहे हो वो सारी की सारी चीजें जो है इसमें मैं बताने वाला हूँ बट ऑन एन सी आर टी दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल लेक्चर ठीक है अप्रोच ऑफ एनसीआर के ऊपर बिकॉज इसके बाद यार कुछ बचता नहीं है इस बार बार इसमें से ठीक है कुछ निकालने का मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि आप बार बार हम इसी टॉपिक पे, इसी टॉपिक पे, इसी टॉपिक पे हम चर्चा करते रहें, ठीक है ये पूरा हो चुका है बस खत्म तो आज हम आखिरी बार इसको देख रहे हैं दोस्तों की स्ट्रैटेजी क्या है दोस्तों टू स्ट्रेंथन दी एनसीआर टी आप किस स्ट्रैटेजी के माध्यम से अपनी एन को स्ट्रेंदन कर सकते हैं अपनी एन को मजबूत कर सकते हैं किस प्रकार से आप सही तरीके से एन पढ़ सकते हैं एन पढ़ना एक अलग बात है सही तरीके से एन पढ़नी अलग बात है दोनों में ना दिन रात का क्या है दोस्तों अंतर है तो उसी अंतर को आज जानते हैं समझते हैं सीखते हैं मेरे साथ आपके अपने चैनल जिसका नाम है यू पी वन ज़ीरो वन पे तो यूपीएससी पी एस सी एस की मैं बात कर रहा था तो मैंने याद दिला दूँ मैं आपको ये चार चैनल मैंने स्टार्ट किए थे जिन चैनल्स के नाम थे जोग्राफी वन जीरो वन यू पी एस सी वन जीरो वन करंट अफेयर वन जीरो वन और एन सी आर टी वन जीरो वन तो प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सारे के सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएं एक बार इन चारों चैनल को फॉलो कर लें सो दैट आप मेरे साथ में ना बाकायदा बने रहोगे इस चैनल पे हम सब लोग जो हैं वो बने रहेंगे और लगातार हमारी तैयारी चलती रहेगी आप चाहो ना तो मेरे साथ अन अकेडमी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं मेरे यहाँ साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए देखो आपको कुछ नहीं करना यू जस्ट हैव टू फॉलो मी विद द नेम सुमित कुमार इस नाम से आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा देखो फॉलो करने से फायदा क्या होगा मैं जब भी क्विज लगाऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं जब भी स्पेशल क्लास लगाऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं जब भी प्लस कोर्स लगाऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ठीक है तो ये आपके लिए दोस्तों क्या है फायदा है ठीक है ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है एंड एक चीज और है दोस्तों मेरा कोड ऑलवेज रिमेंबर मेरा कोड जो है वो है सुमित टेन सुमित टेन आप यूज करें जब भी आप अन को ज्वाइन करते हैं तो प्लीज़ यूज कोड सुमिट टेंट टू तो गेट मैक्सिमम टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन एनअकेडमी अभी दोस्तों एक लास्ट चांस है अन अकेडमी के ऊपर में ट्वेंटी परसेंट चांस अवेल करने का आपको बता दूं दो दोस्तों अन अकेडमी के जितने भी सब्सक्रिप्शन हैं इकतीस जनवरी तक आप इनको जो है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको प्लस और प्लस कॉम्बो के ऊपर दोनों के ऊपर आपको मैसेव ट्वेंटी का डिस्काउंट मिलता है जहां मैं बात करता हूं दोस्तों प्लस जीएस जो 18 महीने का इसका प्राइस था सड़सठ सड़ हजार आठ सौ रुपए सिर्फ आपको चौवन हजार दो चालीस रुपए मिल रहा है साढ़े तेरह हजार रुपए का डिस्काउंट है यही मैं आई प्लस कॉम्बो की बात करता हूं जिसमें ऑप्शनल भी साथ होता है तो एटीन मंथ का सब्सक्रिप्शन जहां जिसका प्राइस इक्यासी हजार रुपये था अभी सिर्फ आपको चौसठ हजार आठ सौ रुपए में मिल रहा है जिस पर सोलह हजार दो सौ रुपए की भारी छूट है अच्छा डिस्काउंट है ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट है बट याद रखना दोस्तों फिर से मैं बोल रहा हूं भाई जब भी इनको ज्वाइन करें ना यार प्लीज कोड यूज करें यार सुमित कोड यूज करें जब भी आप अनडमी को सब्सक्राइब करना चाहें आगे बढ़ते हैं तो आज मैं सबसे पहले यार आपको मैं बताना चाहता हूं कि क्या प्रॉब्लम्स है नॉट इन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जब एक एस्पेरेंट तैयारी करने के लिए आता है ठीक है जैसे आप हैं मैं हूं हम तैयारी करना शुरू किया सो तैयारी करते समय ना कुछ बेसिक और फंडामेंटल प्रॉब्लम आती है मैं एनसीईआरटी के मुद्दे पे बाद में आता हूं एनसीईआरटी पढ़ना भी एक हमारी मजबूरी है वो भी एक समाधान है एक सॉल्यूशन का ना एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम्स कौन सी है जो एक स्टूडेंट की लाइफ में आती हैं विल ट्राई टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स हम उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं पहले देखते हैं यार कि वो कौन सी प्रॉब्लम है जो एक विद्यार्थी के जीवन में आती है जो एक स्टूडेंट के जीवन में आती है है ना कौन सी प्रॉब्लम्स है जो एक स्टूडेंट फेस करता है जब वो यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करता है किन दौर से उसको गुजरना पड़ता है उनके सामने उसके सामने क्या बड़े सवाल आते हैं जिनका वो सामना करना पड़ता है है ना मैं जनरल एक एस्पिरेंट की बात कर रहा हूं कोई भी हो सकता है आप मैं मैं एक उन एस्पिरेंट की बात कर रहा हूं जिन्होंने निर्धारित किया है कि अब उनको यूपीएससी की तैयारी करनी है मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं एक दो अटैम्प्ट दे चुके हैं ठीक है ठीके? मैं उन लोगों की बिल्कुल भी यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो बिल्कुल फ्रेश है अभी उन्होंने जस्ट सोचा है कि अब यूपीएससी की तैयारी उनको करनी है ठीक है और अब वो करना चाहते हैं वो स्टार्ट करना चाहते हैं सो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों एसपेरेंट की सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर जब आप तैयारी करते हो तो क्या सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो होता है दोस्तों पुअर एकेडमिक स्टैंडर्ड जितने भी लोग ये एनसीआरटी की पूंगी बजा रहे हैं ना जो भी एनसीआरटी एनसीआरटी पुकार रहा है इनकी कुछ दिक्कतें हैं एक सबसे बड़ी दिक्कत इनकी क्या है दोस्तों कि इनका एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है ना वो बहुत पुअर रहा है अब ये एकेडमिक स्टैंडर्ड पुअर रहने के दो कारण हो सकते हैं ठीक है जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो एनसीआरटी की कमी आपको खलती है? की कमी इसलिए खलती है क्योंकि पहले पढ़ा ही नहीं कभी है ना पहले पढ़ा नहीं दूसरा दोस्तों एनसीईआरटी की कमी उनको खलती है जो हमेशा थोड़े में खुश रहना चाहते हैं जिनको चाहिए ना कम कम पढ़ना है बस इतने में हो जाएगा जो अपने आप को बाउंड्री में बांध के रखते हैं जो अपनी सीमा निर्धारित करते हैं कि बस ये मेरी सीमा है इससे बाहर का नहीं होगा तो ऐसे लोग हमेशा एनसीआरटी का रागा लापते मिलेंगे आपको है ना तो मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों प्रॉब्लम्स एक एस्पिरेंट के जीवन में जो सबसे पहली आती वो होती है पुअर एकेडमिक स्टैंडर्ड यानी कि खराब शैक्षणिक मानक ये क्या होता है मैं चर्चा करूंगा इसके ऊपर है ना जनरली जो ये सपना है एक आई बनने का जो बच्चे देखते हैं वो बच्चे ज्यादातर लोग जो होते हैं वो पुअर और रूरल बैकग्राउंड से होते हैं स्कूलिंग बहुत अच्छे से उन्होंने नहीं की देखो सपना देखने का अधिकार तो सबको है ना भाई ऐसा तो नहीं है कि सपने सिर्फ अमीर लोग देखेंगे या सपने सिर्फ वो लोग देखेंगे जो अंग्रेजी मीडियम से गुजर रहे हैं माध्यम से जा रहे हैं ठीक है समझ में आई बात तो यूपीएससी का सपना आज हर भारतीय लेता है एक ऐसा बच्चा जो पढ़ाई के एज में है एक बार जरूर सोचेगा कि उसको यूपीएससी की तैयारी करनी है इसके पीछे सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है वो हो गया है यूट्यूब है ना जिस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन आया है शिक्षा बहुत एक्सेसिबल हो गई है ना आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट से पढ़ नहीं सकते तो बकवास तो कर ही सकते हैं ऐसे लाइव क्लास में जाके तो उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों आप तक पहुंच बन गई है शिक्षा की तो अब ये सपना देखना ना सबके लिए बहुत आसान हो गया है और कुछ हद तक कुछ लोग जो है इस सपने को प्राप्त भी कर लेते हैं है ना लेकिन दोस्तों क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनका एकेडमिक स्टैंडर्ड जो होता है मतलब पुरानी पढ़ाई उनकी अच्छी नहीं होती भाई किसी की पुरानी पढ़ाई बहुत अच्छी है टीना डाबे थी वो सातवीं आठवीं क्लास से क्लियर था उसका यू यूपीएससी करना है उसको ठीक है पॉलिटिकल साइंस लिया ग्रेजुएशन में पढ़ी मतलब वो पहले से उसका क्लियर था भाई माँ बाप सिविल सर्वेंट थे उसका क्लियर था कि भाई यही बनना है हमारे ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं होते जो गांव देहात के लोग हैं उनको पता नहीं होता आगे जाके क्या करना है ठीक है मेरा जैसा आदमी भी होगा कोई इंजीनियर बनने का सपना देख रहा होगा है ना कोई कुछ देख रहा होगा कोई कुछ देख रहा होगा बट सडनली लाइफ के अंदर में कुछ ऐसे सरकमस होते हैं कि वो लाइफ यू टर्न ले लेती है है ना सबके जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ आता है मैं पूछूंगा नहीं सबका अपना अपना एक टर्निंग पॉइंट होता है बट वो टर्निंग पॉइंट किसका कितना स्ट्रांग है ना उस बात पे चीज़ें निर्भर करती है कुछ लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर लेते हैं कुछ लोगों का नहीं होता तो वो रह जाते हैं पहला है एकेडमिक पुअर एकेडमिक स्टैंडर्ड की पहले पढ़े नहीं अब जरूरत है पढ़ने की है ना ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से पढ़ रहे होते हैं उनको दिक्कत नहीं होती दूसरी जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है स्टूडेंट लाइफ में वो आती है लैक ऑफ रिसोर्सेस ठीक है थोड़ा सा जो रिसोर्सेज है उनकी कमी हमें महसूस होती है या मैं ये कह सकता हूं लैक ऑफ रिसोर्सिस भी हो सकता है और आजकल एक टर्म और आ गई है दोस्तों जिसको मैं कह रहा हूं एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज संसाधनों की बहुत ज्यादा अधिकता दोनों ही मामलों में क्राइसिस होता है जब हम पढ़ते थे तो लैक ऑफ रिसोर्सेज होता था हमारे पास संसाधन बहुत कम थे यूट्यूब जैसी फैसिलिटी नहीं थी भाई किताबों से पढ़ना पड़ता है कोई चीज नहीं समझ में आती खुद से समझनी पड़ती थी सीखनी पड़ती थी बट आज ऐसा नहीं है आज आप किसी भी टॉपिक को जाओ यूट्यूब पर डाल दो और यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा है ना तो हमारे टाइम पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी चीज़ें नहीं थी लैक ऑफ रिसोर्सेज या एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज बोथ आर क्राइसिस दोनों के दोनों क्राइसिस है आज इतनी चीजें हैं कि बच्चा कंफ्यूज रहता है वो दिमाग पकड़ लेगा यार एक बार डाल लेगा ना जोग्राफी छप्पन क्लास हो जाएगी एक क्लास में संपूर्ण जोग्रफी ये फलानी मास्टर क्लास झिगड़े क्लास इतना वाहियात कंटेंट भरा पड़ा है अब यूट्यूब पर हर आदमी मास्टर बना बैठा है कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है रेलिवेंट हो या ना हो बच्चे क्लिक बेट पर जा रहे हैं थमनिल देख रहे हैं आपको थोड़ी ना पता है आप तो पहले भी नहीं पढ़े और अब भी आप वो पढ़ना चाहते हो जो आसान है तो यहां एक प्रॉब्लम आती है तो इसी वजह से एनसीईआरटी की जरूरत अराइज होती है मैं बताऊंगा कैसे दूसरा दोस्तों यार ये जो 2011 में, में मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है ना तो इससे क्या हो गया है कि जो आपके फंडामेंटल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं है ना जनरल स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है तो वो भी एक कारण है कि क्यों हमें तो ये विद्यार्थी जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स है और दूसरा यार हमारा जो एग्जाम है इसका एक कोलोनियल माइंड भी रहा है ठीक है एक इसका क्या रहा है दोस्तों कोलोनियल माइंड रहा है तो मैं एक एक करके इन सारे चीजों को पढ़ने बताने वाला हूं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सक्लूसिवली आपकी एट एसोशिएटेड है किससे एन से जैसे सबसे पहला मुद्दा जो है वो है आपका पुअर एकेडमिक स्टैंडर्ड दोस्तों खराब शैक्षणिक मानक इसमें क्या होता है देखो दो चीज़ें होती हैं क्या चीज़ें होती हैं दोस्तों देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भाई गांव से पढ़े होते हैं रूरल एरिया से पढ़े होते हैं स्कूल उतने अच्छे नहीं होते हैं पढ़ना चाहते थे वो पढ़ना इंटेलिजेंट थे दिमाग चलता था सब चीज़ थी बट बिकॉज ऑफ़ सम रीजन्स या तो भाई घर वालों के पास पैसे नहीं थे या घर में कुछ काम ऐसा था कि उनको भाई मम्मी पापा का हाथ बटाना पड़ता था वो पढ़ नहीं पाए बेचारे सरकारी स्कूल में पढ़े या उनके आसपास कोई प्राइवेट स्कूल था भी तो उसमें टीचर इतने अच्छे नहीं थे कि वो बहुत अच्छा उनको पढ़ा सके है ना तो कुल मिला के उनका जो स्कूलिंग है वो उतना अच्छे से उनका डेवलप नहीं हो पाया और भारत के अंदर में देखो शिक्षा पद्धति जो है वो उस लेवल की है भी नहीं हमारी शिक्षा पद्धति आपको सिर्फ नंबर लाना सिखाती है है ना सिर्फ नंबर लाना हमें पास होने से मतलब है हमें चार सवाल रटने होते हैं उसके बाद हम नंबर ले आते हैं अच्छा सवाल जो हम लिख के आए हैं पेपर में लिख के आने के बाद हमें यह नहीं पता होता कि क्या पेपर में आया था और क्या हम लिख के आए थे एक बहुत बड़ी रीजन है नहीं तो सोचो यार सिक्स क्लास से लेके बारहवीं क्लास की एनसीईआरटी पे तुम मरे जा रहे हो क्या तुमने पढ़ी नहीं है छठी क्लास से आठवीं क्लास तुम पढ़ के आए हो चलो ठीक है तुम पढ़े थे या भूल गए तो भूली हुई चीज को तो दोबारा खुद से पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो ना लेकिन फिर भी तुम नहीं पढ़ पाते इसका मतलब क्या है साफ साफ है कि ना तो तुम्हारा ध्यान था या ना तुमने कभी पढ़ा और ना तुम्हें अच्छे से पढ़ाया गया ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको दोबारा शुरुआत करनी पड़ती है है ना जो आपका एकेडमिक स्टैंडर्ड है आपका इतना पुअर होता है बच्चों का उसमें बुरा मत मानना दोस्तों मैं सबके लिए बता रहा हूं है ना हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड अभी इतना पुअर है स्पेशली उन बच्चों का जो बिल्कुल जीरो से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं कि हमें बेसिक चीजें भी नहीं पता और ऐसी अवस्था में हम चाहते हैं कि एनसीआर से ही हम क्या करें शुरू करें एनसीआर कहते हैं कि बेसिक से होता है तो ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है और ये जो खराब हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है ठीक है जो खराब हमारा शैक्षणिक मानक होते हैं ठीक है ये कहीं कही ना कहीं एक बड़ी बीमारी है अब देखो जो काम बचपन से आज तक नहीं हो पाया क्या सोचते हो एक साल डेढ़ साल में डेवलप हो जाएगा नहीं हो पाता मैं पूरी जिंदगी नहीं पढ़ा सठी क्लास से बारहवीं क्लास का सिक्स टू ट्वेल्थ का मुझे कुछ याद ही नहीं है मैं बेसिक से शुरू करना चाहता हूं तो क्या आपको लगता है सस्टेनेबल है जो पर्सनैलिटी आपकी फर्स्ट से सिक्स से ट्वेल्थ तक बिल्ट होनी थी जिन चीजों की नॉलेज सिक्स से ट्वेल्थ तक बारह साल में होनी चाहिए थी जो माइंड आपका उस समय ग्रो होना चाहिए था वो आपने नहीं किया अमन हमने ग्रो नहीं किया इसीलिए बच्चों एक प्रॉब्लम और आती है हमारे साथ हम तैयारी तो शुरू कर देते हैं लेकिन बीच में हम तैयारी छोड़ देते हैं ऐसे मैंने पिछली एक और ओरिएंटेशन क्लास में भी आपको बताया था मेरे साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तैयारी शुरू की लेकिन सब ने छोड़ दिया कारण क्या था कारण वही था दोस्तों है ना भाई अब तक हम पढ़े नहीं अब तक हम जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुँच गए हैं पेपर में खूस पटूस नंबर ला के पास होके हम पहुंच गए हैं लेकिन अब जो पेपर है ना ये पास होने का नहीं है भाई इसमें आपकी वो पर्सनालिटी उभर के सामने आनी चाहिए इवन आप आजकल कल पॉलिटी के या कोई भी अप्रिलिम्स के सवाल देखते हो ना यार वो क्वेश्चन भी ऐसे हैं कि रटने से तो कुछ होने वाला है नहीं तो वो जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थी आपकी वो नहीं हो पाई है वो एटीट्यूड बिल्ट नहीं हो पाया है ठीक है वो टेम्परामेंट नहीं हो पाया है वो परसिवरेंस बिल्ड आपका नहीं हो पाया है हमने सदा इजी रास्ता ढूंढा है आसान रास्ता ढूंढने का प्रयास करते हैं हम आसानी से कुछ मिल जाए वो तब भी हमने आसानी से किया था कि रोज नहीं पढ़ते थे पेपर में पास हो गए चार क्वेश्चन याद कर लिए मास्टर से टिक लगवा लिया टीचर से टिक लगवा लिया ठीक है आगे ठीक है मैं तो आपको बता तो था मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो कई बच्चे मेरे पास किताब लेके आ जाते हैं सर जी इंपॉर्टेंट मैं का क्या करूं क्या जी इंपॉर्टेंट उसके टॉपिक के निशान लगा दो अब भी कहते हैं बच्चे सर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या होता है इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई हमने हमेशा आसान रास्ता चुना है भाई और उसी आसान रास्ते के चक्कर में दोस्तों आज हम इस राह पे खड़े हैं कि हमारा माइंडसेट उतना ग्रो कर ही नहीं पाया हमारा टेम्परामेंट हमारा परसिस, हमारा परसिवरेंस हमारा जो एटीट्यूड है वो उस लेवल का है ही नहीं यार तो ये एक और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें दोबारा से अपने बेसिक अपने रूट्स की ओर जाना पड़ता है हमारे एनसीआरटी की ओर जाना पड़ता है ठीक है तो पहला हमारा खराब एजुकेशनल बैकग्राउंड दूसरा मैंने आपको बताया था दोस्तों क्या कि जो एटीट्यूड जो एबिलिटी जो पर्सनालिटी यार दोस्तों हमारी आज तक एक परिपूर्ण जो हमारा व्यक्तित्व तो डेवलप होना चाहिए था इन किताबों को पढ़ के क्योंकि आपको क्या लगता है क्या सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी पढ़ के आपको चीजें समझ में आ जाएंगी नहीं यार बहुत अप्लाइड चीजें आती हैं आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगता है भाई साहब पॉलिटी पढ़ने से बात नहीं बनेगी पॉलिटी को घोट के पीना पड़ेगा पॉलिटी को समझना पड़ेगा पॉलिटी को जानना पड़ेगा अगर गलत कह रहा हूं तो बता दो आपको लगता है सिर्फ रट्टे मार के काम हो जाएगा आपको पता है सिर्फ पढ़ के काम हो जाएगा नहीं होगा जब आप पॉलिटी पढ़ते हो ना आपको क्या लगता है यूपीएससी ने इतनी सारी चीजें क्यों आपके सिलेबस में ऐड की एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड जीएस पॉलिटी वो चाहते हैं कि ये चीजें आपके अंदर हो वो चीज चाहते हैं कि जब आप पेपर क्लियर करके आए इंटरव्यू में आए तो आपका एक सेकुलर कैरेक्टर हो वो चाहते हैं कि आप जो है फर्टिनिटी के बारे में जानते हो वो चाहते हैं कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति एम्पति रखते हो ठीक है आपके अंदर फर्टनिटी की भावना हो लेकिन ये कब डेवलप होता है दोस्तों ये तब होता है जब हमारी मिट्टी गीली थी हम गीली मिट्टी के थे है ना तो उस समय हमें जिस तरीके ढाल देते हम ढल जाते हैं बट उस समय हमने किया नहीं है और आज हमारे सामने अगेन प्रॉब्लम है तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने का समाधान बताया जाता है एनसीईआरटी मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दिखा रहा हूं एनसीआरटी की जरूरत क्यों पड़ती है मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एनसीआर टॉपर ने बोल दिया तो पढ़ लिया टॉपर तो राग अलापते ही रहेंगे भाई देखो मेरे से तुम बार बार पूछोगे मान के चलो एक आदमी की एक 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 लिमिट होती है वो एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता है ठीक है यार कोई भी इतना डिटेल में जाके बताना नहीं चाहता मैं कह रहा हूं तुम कल को क्लियर कर जाओगे ना एक बार बताओगे अच्छे से इंटरव्यू दोगे दो बार दोगे तीसरी बार तुम भी जनरल आ जाओगे अच्छा ये कर लो ये कर लो ये कर लो ये कर लो बस फिर तुम भी सेट पैटर्न फॉलो करने लगता है एनसीआरटी पढ़ो फिर किताब पढ़ो फिर ये करो फिर आंसर राइटिंग करो फिर ऐसे करो फिर हो गया बस ऐसे आप भी ऐसे ही बोलने लग जाओगे हकीकत नहीं बताई जाती क्योंकि हकीकत सबकी एक जर्नी अलग होती है आपको एनसीआरटी क्यों चाहिए इसको समझना बहुत जरूरी है पहला तो अकेडमिक स्टैंडर्ड पुअर रहा है कभी पढ़ाई नहीं हमने या पढ़ाया ही नहीं हमें या उस लेवल का हमने कभी सीखा ही नहीं जो आज की रिक्वायरमेंट है ठीक है तो दोबारा से भाई हमें रूट्स पे और जाना पड़ेगा समझ में आ रही बात भाई हमें अपनी रूट जो है हमें अपनी जड़े जो है उस उधर दोबारा जाना पड़ेगा इसीलिए एन पकड़ते हैं दूसरा मैंने बताया कि हमारी जो पर्सनैलिटी है ठीक है वो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप कैसे हो दोस्तों उसमें भी हमारी एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है तो सोच के देखो जो सिक्स से ट्वेल्थ क्लास तक जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए थी दोस्तों क्या वो अब हो जाएगी क्या नहीं होगी और यही होता है मित्रों कि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं छोड़ देते हैं पेपर एक साल पढ़े आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे मैं बता दूंगा एक साल तैयारी करेंगे वो यूट्यूब पर लगे रहेंगे दो साल करेंगे एक साल के बाद वो प्लस पे आ जाएंगे लेकिन उसके बाद में वो हिम्मत हार के दो साल के बाद सरेंडर कर देंगे मेरे पास एन नंबर ऑफ स्टूडेंट है ऐसे लिस्ट है मेरे पास मेरे पास चिट्ठा है ऐसा पूरा का पूरा मैं दिखा सकता हूं तुम्हें एक साल किया दो साल किया फिर छोड़ दिया अब नहीं करते क्यों नहीं करते कोई कारण नहीं है उनके पास लेकिन मेरे को पता है क्यों नहीं करते वो नहीं हो पाई उनकी पर्सनैलिटी वैसी भाई ठीक है नहीं है वो जो कोई यूपीएससी की जो प्रोसेस है ना इतनी मुश्किल इतनी हार्ड इसीलिए है कि जिस व्यक्तियों का व्यक्तित्व वैसा होगा जो उस तरीके के होंगे जो यूपीएससी पी एस को डिमांड है जो देश चला सकते हैं अरे वही लोग छट के आके जाएंगे तो आपको वो चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी और देखो अभी तक जो चीज़ डेवलप नहीं हुई है उसको डेवलप करने के लिए हमें दोबारा से हमारे रूट्स की ओर जाना पड़ता है हमें एनसीईआरटी की ओर जाना पड़ता है देखो चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना बहुत फंडामेंटल है बहुत बेसिक चीज़ें हैं ठीक है बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों ना ये आपको कोई बताएगा नहीं ठीक है सोचना आप इसको बैठ के क्या मैं गलत कह रहा हूं फिर आती है दोस्तों संसाधनों की कमी या संसाधनों की एक समस्या मैं कह सकता हूं संसाधन की समस्या अच्छा समस्या कब बनती है दोस्तों बताओ कोई भी चीज प्रॉब्लम कब बनती है या तो बिल्कुल ना हो या बहुत ज्यादा हो जाए हमारे समय में बिल्कुल भी नहीं थी और तुम्हारे समय में बहुत ही ज़्यादा है भाई अब मैं एक टॉपिक लिखता हूँ क्लाइमेट चेंज मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा यार अनगिनत अनगिनत वीडियो आ जाती है मैं किताब लेने जाऊंगा मुझे एक पॉलिटी की किताब चाहिए अनगिनत मटेरियल पड़ा है आप करंट अफेयर लेने चले जाओ जब आप किताब की बुक शॉप पर जाते हो ना दिमाग घूम जाता है मत्था घूम जाता है यार इतनी किताबें रखी रहती है आपको लगता है ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ ऐसे में गोचपोच होता है तो मैं तो दोनों ही चीज़ों को समस्या का नाम देता हूँ भाई कौन कौन सी समस्या पहली समस्या वो जब आपके पास संसाधन है ही नहीं और दूसरी समस्या वो जब आपके पास संसाधन बहुत ही ज़्यादा है आपके पास संसाधन की बहुत ज़्यादा अधिकता है आपके पास संसाधन बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और आपको पता ही नहीं उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं जैसे आज के टाइम पे है आज ज्यादातर बच्चा जो होता है जो यूपीएससी की तैयारी करता है देखो बुरा मत मानना देखो दोस्तों देखो मेरी एक बात होती है मैं ऑनेस्टी जो है ना मतलब जो सच है मैं वो बोलता हूं साफ बोलता हूं आज ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो बस कर रहे हैं तैयारी क्यों कर रहे हैं पता है आपको क्योंकि हो रही है इजीली मिल रही है तो कर लिया अगर यही चीज़ थोड़ी मेहनत करके करनी पड़े जैसे मान लो सपोज ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास ना होती और आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना पड़ता तो सबसे पहले थोड़ा तो पैसा खर्च करना पड़ता थोड़ा बहुत जाना पड़ता इधर उधर समय देना पड़ता अलग से तैयारी का शायद आप ना करते मैं बोल रहा हूँ फिफ्टी परसेंट बच्चे वहीं पे दम तोड़ देते वो करते ही नहीं लेकिन आज कर रहे हैं बच्चे आप कर रहे हो ना इसका कारण क्या है दोस्तों इसका एक कारण यही है कि आज ऑनलाइन एजुकेशन है तो एक्सेसिबल है लेकिन आज भी जब तैयारी की बात आती है ना मित्रों तो हम पहला जो वो लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया YouTube से हम तैयारी करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं देखो YouTube क्या जो ज्ञान है ना वो अनंत ज्ञान है वो समुद्र है <laughs> जिसका कोई अंत नहीं है बहुत बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर उसका कि ये कोना नहीं पता ये कोना नहीं पता एक क्लास आज हो रही है दूसरी क्लास पता नहीं कब होगी ठीक है उस पर फिर तुम कमेंट करते रहते हो वो क्लास करवा दो वो मेल करा दो वो प्लेलिस्ट बनवा दो वो क्लास प्राइवेट होगी ऐसे ही चलता है ठीक है यूट्यूब ईजा लाइक बहुत बड़ा वो भूसे में सुई ढूंढने के बराबर हो जाता है ठीक है तो अगेन क्योंकि कई सारे बच्चे वो लगे रहते हैं बस यूट्यूब यूट्यूब से लगे रहते हैं ठीक है एफर्ट वो भी नहीं करना चाहते अब एफर्ट का मतलब यहाँ दो है या तो तुम खुद से भी अपने एफर्ट डालो तुम खुद से भी स्टडी करो सेल्फ स्टडी करो पढ़ो खुद से ठीक है खुद से वो मेहनत दो वो टाइम दो क्योंकि इसमें आपका समय लगेगा लेकिन अगर आप वो समय नहीं लगाना चाहते उसी के लिए कोचिंग्स होती हैं आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो जो आपको बेनिफिशियल लगे जो आपको लगे कि हाँ यार ये कोचिंग मेरे लिए फ्रूटफुल हो सकती है या यहां से पढ़ के मेरा हो सकता है देखो आज पैसा सब कुछ नहीं आज समय सब कुछ है आप सोचो ये तीन साल आपके पास प्रोडक्टिव टाइम है जिस जिस समय में आज अभी हो मैं कह रहा हूं ये दो तीन साल ही हैं आपके पास भाई इसके बाद जो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है या ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में है या कर चुके हैं आपके पास दो तीन साल है इसके बाद कुछ नहीं है इसके बाद मैं बता रहा हूं आप करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे यूपीएससी की तैयारी में गारंटी मैं रहा दे, दे के लिख लेना मेरी बात तो अब आप देख लो ये तीन साल तीन साल इंपॉर्टेंट है आपके लिए या वो जो पैसा जो आप कोचिंग पे खर्च नहीं करना चाहते कुछ बच्चों का बहुत जेन्यन प्रॉब्लम होता है एंड टोटली एग्री विद है ना और उनके लिए ही मैं कहता हूं दोस्तों जिनके पास वो चीज़ नहीं होती ठीक है उनको अपनी किस्मत खुद लिखनी होती है उनको अपनी मेहनत करनी होती है ठीक है उनको मेहनत करनी होती है वो फिर कहीं और वो अपनी उसका फिर दूसरे पे वो नहीं कर सकते कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है अरे पैसा नहीं तो मेहनत तो है भाई हिम्मत तो है भगवान ने हिम्मत तो बराबर की दी है दिमाग तो बराबर का दिया तो मेहनत कर भाई ठीक है जितना यहां कराया जा रहा वो कर उसके बाद और कर जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है वो टाइम को मेरे हिसाब से प्रेफरेंस दो ठीक है वो फिर संसाधनों के इन चक्करों में मत पड़ो यार क्योंकि यूट्यूब तो मैंने बताया दोस्तों एक अखात आपका समुद्र है इसमें इतना है कि आप कहीं पर भी चले जाओ आपको किनारा मिलेगा नहीं इसीलिए आपको एक कंसाइज प्रिसाइज और एकदम जो कंस्ट्रक्टिव का कंटेंट है वो पढ़ना बहुत जरूरी है और वो आपको कहाँ मिलता है दोस्तों वो आपको किसी ना किसी बैच के अंदर किसी ना किसी कोर्स के अंदर में ही मिलता है ठीक है देर ओनली ऑन हिंदी आई नीड यू आर यू एस बाई क्या लिख दिया भाई साहब ये अशोक कुमार भाई मेरा बाईलिंगअल ही है देखो यही तो बात है ना मेरा बाईलिंगअल है मेरा चैनल ही बाईलिंगअल है ये जो तो चैनल है ना यू पी एस जिसपे हो तुम ये पूरा का पूरा चैनल बाईलिंगअल है सर जी आई सर्च यूअर चैनल यू पी एस वन जो देर वॉज ओनली ऑन द हिंदी देर ओनली ऑन हिंदी नहीं यार बाईलिंगल है भाई हिंदी पे तो मैंने बस एक जोग्राफी की एक छोटी सी सीरीज सीरीज कराई थी बस और वो भी यूपीएससी पी वन जीरो वन उस पर नहीं है वो वो लेट्स क्रैक यूपीएससी पी एस सी एस सी पे है, वो जोग्राफी एन सी आर टी ठीक है वो तो यहाँ पे है ही नहीं तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों आपको टारगेट करना आपको गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है यार वो वो गाइडेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है कोचिंग की फॉर्म में नहीं तो देखो सब लोग जो है ना टॉप पर सब लोग मैं हर आदमी की बता रहा हूँ सब लोग कोचिंग करके बैठे होते हैं वो बताते नहीं है पहले कोचिंग कर ली उस समय नहीं हुआ सिलेक्शन दो साल फिर घर बैठ के की फिर सिलेक्शन हो गया फिर कहते हैं हमने कोई कोचिंग नहीं ली सब सबने ली होती है भाई लोग बताते नहीं है क्यों क्योंकि आजकल कोचिंग बताने का भी कि मैंने वहां से पढ़ा उसका भी पैसा मिलता है तो एक वो भी दिक्कत है ठीक है तो इसीलिए तुम भटको मत संसाधन की जो आज समस्या है हमारे पास कि जो प्रॉब्लम दो तरीकों की है ठीक है एक तो होता है लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से और एक होता है दोस्तों आपका एक्सेस ऑफ रिसोर्सिस तो आज वाली प्रॉब्लम एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज की वजह से है। इतना सारा कंटेंट है ना कि आप छटनी नहीं कर पाओगे आप पॉलिटी पॉलिटी में चार साल निकाल सकते हो पहले एनसीआर पढ़ो फिर ये पढ़ो आप साल निकाल दोगे निकाले जाओ क्या फायदा है उसमें तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है दूसरा यार व्हाट टू रीड एंड फ्रॉम वेयर टू रीड ये एक बड़ा समस्या है मैंने अभी आपको बताया हम क्या पढ़ना चाहते हैं क्या पढ़ना चाहिए कहाँ से पढ़ना चाहिए कितना पढ़ना चाहिए कितना एग्जाम के लिए जरूरी है कितना जरूरी नहीं है अगेन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एन भी यार एक डिबेट चलता है एन का भी सिक्स से ट्वेल्थ ओल्ड वर्सेस न्यू छठी की पढ़ें सातवीं की पढ़ें या सिर्फ ग्यारहवीं बारहवीं की पढ़ें कौन सी पढ़ें है ना तो एक बड़ी दिक्कत है हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है बड़ी समस्या है कि क्या पढ़ें कितना पढ़े कहाँ से पढ़े क्यों पढ़े कैसे पढ़े एक बड़ी प्रॉब्लम है है ना और इस प्रॉब्लम का समाधान जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है कि सबसे पहले एन पढ़ो है ना बड़ा सवाल है ना क्या पढ़ें कहाँ से पढ़े कितना पढ़ें है ना तो इस बड़ी प्रॉब्लम का यूजुअली हम एक छोटे शब्द में समाधान देते हैं और समाधान हम क्या देते हैं कि भाई स्टार्ट विद एन कि भाई थोड़ा एक काम करो आप एन से शुरू कर लो अभी फिर बाद में आपका बेसिक बन जाएगा फिर एडवांस बुक की ओर जाना तो ये भी एक हमारी समस्या है कि क्या पढ़ें वट टू रीड एंड वे टू रीड ठीक है फ्रॉम वेयर टू रीड ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं एनसीआर टी देखने में तो हमें पता नहीं होता भाई क्या पढ़े कितना पढ़े कहाँ से पढ़े क्यों पढ़े कैसे पढ़े वी डोंट नो एंड दैट्स वाई विल मूव टू द एनसीआर इसीलिए हमें बेसिक की जरूरत पड़ती है तो हमें बेसिक की जरूरत क्यों है हमें एनसीआर की जरूरत नहीं है हमें बेसिक की जरूरत है हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड पुअर रहा है ठीक है हमारी वो पर्सनैलिटी उस लेवल की नहीं आ पाई है हमें ये नहीं पता क्या पढ़े कहाँ से पढ़े हमारे पास रिसोर्सेज वाली प्रॉब्लम है एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज आज है हमारे पास में ठीक है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लैक ऑफ रिसोर्सेज होता है इंग्लिश वालों के लिए एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज होता है ये एक प्रॉब्लम्स है तो इन प्रॉब्लम का समाधान क्या है दोस्तों हम ढूंढते क्या हैं कि यार एक काम करते हैं सारी चीज छोड़ो यार अपना बेसिक से शुरू करो और बेसिक का मतलब आज के टाइम पे क्या हो रहा है बेसिक इज इक्वल टू एनसीईआरटी बट जब एनसीईआरटी भी पढ़ने जाओगे ना तो उसमें भी बहुत सारे दोस्तों मिथ हैं ठीक है दूसरा एग्जाम पैटर्न आपका चेंज हुआ था दो में अच्छा जब से सिलेबस चेंज हुआ है ना मेन्स का ठीक है ये मेंस का सिलेबस जब से चेंज हुआ है तो इतना डिस्क्रिप्टिव हो गया प्यारे बच्चों इतना डिस्क्रिप्टिव हो गया है कि आपको हर एक टॉपिक की थोरो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है स्टैंडर्ड किताबों के अंदर में क्या होता है एक लेवल ऊपर से चीजें शुरू होती हैं लेकिन जब आपको उस लेवल का ज्ञान चाहिए आपको बहुत बेसिक से लिखना होता है और एनसीईआरटी मैं आपको बताता हूं प्री में शायद हेल्पफुल होना हो लेकिन मेन्स अंसर राइटिंग के लिए आपका जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है ना वो एनसीईआरटी से बहुत अच्छे तैयार होते हैं ठीक है जब से पैटर्न चेंज हुआ है जीएस के इसमें चार सिलेबस चार सब्जेक्ट ऐड हो गए हैं मेंस में एथिक्स है उसका ऐसे का पेपर आ गया है तो उसके बाद में ना दोस्तों ये जो NCRT है इनकी अहमियत थोड़ी और बढ़ गई है है ना तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स है और इन्हीं की वजह से दोस्तों हमें किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों ठीक है अब मैं पूछ रहा हूं वाई एनसीआरटी तो अभी जो समस्याएं मैंने बताई आपको भाई उन समस्याओं का अगर समाधान करना है तो वी नीड एनसीआरटी ठीक है इन समस्याओं के समाधान के रूप में हम किसको देखते हैं NCRT माता को देखते हैं जय हो एनसी माता की इतनी सारी प्रॉब्लम का एक समाधान हमें दिखता है है और वो क्या दोस्तों के लिए यूपीएससी की तैयारी कहां से शुरू करें एनसीआर से पहले एनसीआरटी करेंगे बाद में चलता रहेगा और ये बात सत्य भी है लेकिन दोस्तों आप समझना एनसीआरटी का मतलब कतई ये नहीं है कि एनसीआरटी जो है वो जरूरी है उसी से पेपर निकलता है ना पेपर निकालने के लिए एनसीईआरटी जरूरी नहीं है एनसीईआरटी जिन चीज़ों के लिए ज़रूरी है जो आपकी अभी तक मिस रही है जो अभी तक आपने नहीं किया है और जब नींव हमारी मजबूत नहीं है तो आधार जब मजबूत नहीं है तो हम इमारत कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं ये बात मेरी बात समझे या नहीं समझे दोस्तों ठीक है शब्बीर अहमद ज्योग्राफी लेक्चर्स आई बिकम एबल टू ड्रीम यूपीएससी थैंक यू यार शब्बीर थैंक यू थैंक यू वेरी मच ठीक है इट्स बीन मेरा प्लेजर है यार ठीक है और कश्मीर से यार मुझे बड़ा लगाव है ठीक है अभी थोड़े दिन पहले ही मैं गया था कश्मीर में और शायद मैं फिर भी आ जाऊँ अभी बीस बाईस तारीख के आसपास शायद फिर भी आना हो जाए मेरा कश्मीर में तो पता नहीं है दोबारा आ सकते हैं दोस्त ठीक है थैंक यू वेरी मच बाकी सपना तो यार दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है मेरी वजह से सपना आपका था आपने देखा बस मैं एक कंडुइट हूँ ठीक है मैं एक वो जरिया हूँ ठीक है कि जो आपकी उस जर्नी को शायद आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा बस तो ये जो अभी तक बातें की इन सबके लिए एनसीआर की जरूरत है कभी बैठ के सच्ची में सोच के देखना इस बात को बहुत गहरी बात बताई है मैंने कही हूं समझ में नहीं आई होगी कई तो ऐसे ही चल रहे हैं हाँ अभी बात करते हैं मीरा नंदन इस पर अभी बात करते हैं कितने सब्जेक्ट की एनसीआरटी पढ़नी होती है अभी आते हैं इन मुद्दों पर ठीक है तो अब देखो दोस्तों जो बात है तैयारी शुरू करने के लिए अब एनसीआरटी हम क्यों पढ़ते हैं दोस्तों अब समझना अभी मैंने प्रॉब्लम बताई आपको है ना तो अब प्रॉब्लम के बाद में बता रहा हूं उनका समाधान एनसीआरटी अब एनसीआरटी अगर हम यूज करते हैं तो हमें फायदा क्या होता है ठीक है देखो सबसे पहला फायदा क्या होता है दोस्तों तैयारी जब हमें शुरू करनी होती है ना तो आसान होती है और जब इनिशियल लेवल पे हम तैयारी करते हैं मैं आपको बताता हूं ठीक है किसी की तैयारी छुड़वानी हो ना भाई कोई प्रिपरेशन कर रहा है छुड़वानी हो पहले ही दिन तो उसके हाथ में पकड़ा दो इकोनॉमिक्स उसके हाथ में पकड़ा दो एनवायरमेंट ठीक है जनरली बच्चों का इसमें इंटरेस्ट नहीं होता वो छोड़ देंगे वो कहेंगे यार भाड़ में गई यूपीएससी मार से ना होती या ऑप्शनल दिलवा दो उनको तुम स्टार्टिंग में ही ऑप्शनल स्टार्ट करवा दो उनका पहले ही दिन ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे बहुत बड़ी मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों यू की तैयारी इंटरेस्ट पर होती है देखो मैंने ऐसी तैयारी शुरू की मैंने पहले सबसे पहले स्टार्ट करना पढ़ना स्टार्ट किया पॉलिटी क्योंकि पॉलिटी में ना मुझे बड़ा मजा आता था बहुत मज़ा आता था पॉलिटी पढ़ने में ठीक है समझ में हालांकि उतनी नहीं आती थी बट मेरे को अच्छा लगता था समझ में आ जाती थी ये वो जोग्राफी तो मैंने सबसे लास्ट में की है जोग्रफी तो मेरा सबसे कमजोर सब्जेक्ट था मजाक नहीं कर रहा ठीक है पर किया भाई इकोनॉमिक्स भी मेरा वीक था बट मैंने किया ठीक है तो एन क्या होता है ना एन इन चीज़ों को आसान बना देती है क्योंकि एन में बहुत अब एन भी कहाँ से अगर आप सिक्स क्लास से पढ़ते हो तो अब कोई बच्चा मान लो सीधी ग्यारहवीं क्लास की एन उठा ले ओ बाबा ग्यारहवीं क्लास की एनसीईआरटी ना आप पॉलिटी की किताब उठा लो एनसीईआरटी की और लक्ष्मीकांत उठा लो लक्ष्मीकांत आसान लगेगी तुम्हें पॉलिटी की जो एनसीईआरटी वो मुश्किल लगेगी तो जब इनमें भी फ्लो कब बनता है जब हम बेसिक सीखना चाह रहे हो तो हम सिक्स क्लास से जाते हैं ट्वेल्थ क्लास तक लेकिन अगेन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिक्स से पढ़ो कोई सब्जेक्ट आपका बहुत कमज़ोर है समझना मेरी बात को मीरा आप बात जो पूछ रही थी कोई सब्जेक्ट आपका बहुत कमज़ोर है और हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी यही पढ़ना होता है आपको जोग्रफी वाले में ही एनवायरमेंट साइंस आ जाती है आपको इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना होता ठीक है हिस्ट्री पॉलिटी और जोग्राफी एनवायरमेंटल साइंस बस डैट्स इट फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ने के चक्कर मत पड़ जाना बता रहा हूँ मैं तुम्हें बर्बाद हो जाओगे ठीक है इलेवन ट्वेल्थ की फिजिक्स केमिस्ट्री एनसीआरटी पता है कैसी है ठीक है जहर है जहर कति तो उनके चक्करों मत पड़ना मैं सच बता रहा हूँ आपको तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो देखना है वो क्या करना है बेसिक अगर मान लो आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो हिस्ट्री में आप वीक हो तो मैं कह रहा हूं सिक्स क्लास से चल लो लेकिन आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है ऑलरेडी तो ग्यारहवीं क्लास से पढ़ लो ठीक है ये आप पे डिपेंड करता है अब आप ये चाहते हो कि मास्टर बोल देगी छठी से पढ़ना है वो कभी भी मत करो आप देखो यार मेरा किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत डीप से पढ़ना चाहता हूं मैं छठी क्लास से पढ़ूंगा मैं सिक्स से पढ़ूंगा ठीक है या मुझे कुछ आता है मैं नहीं पढ़ूंगा मैं सीधा इलेवन ट्वेल्थ पढ़ लूंगा मुझे अब जोग्रफ़ी आती है जिसमें बताऊं तो मुझे इलेवेंथ मैंने कभी आज तक एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है जोग्रफ़ी की मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने एनसीईआरटी को थोड़ा बहुत देखा है उसी में से मैं जो पी वगैरह बनाता हूँ सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए अदरवाइज मैं मेरा कोई मतलब नहीं है मैं पढ़ता पढ़ता नहीं हूँ मैं नहीं पढ़ता एन सी आर ठीक है मैंने पढ़ी भी नहीं आज तक मैंने स्टैंडर्ड किताबें पढ़ी हैं तो आप जब तैयारी शुरू करते हो ना तो थोड़ा आसान होता है और आसान आसान चीज़ें कर करके ना वो सी बन जाती है एक सी फिर ये फिर ये फिर ये ठीक है फिर ये फिर ये फिर ऐसे करके अगर मैं सीधा आपको ऐसे स्लोप से चढ़ाऊं तो मुश्किल हो जाएगा आप थक जाओगे यहां तक चलोगे ठीक है फिर वापस आ जाओगे फिर यहां तक चढ़ोगे फिर वापस, फिर हो सकता है यहां तक जाओ फिर लेकिन सीढ़ी से क्या होगा ना दोस्तों आप आराम आराम से ठीक है आप आराम आराम से यहां तक पहुंच सकते हो इसीलिए आपको आसान चीजों से शुरुआत करने की आवश्यकता होती है और आसान जब हम बात करते हैं तो एन सी टी सिक्स क्लास से हमारी चीजें बहुत आसान हो जाती है क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिलती है एक क्लियर कट हमारे दिमाग में फ्रेम बनता है कि अच्छा ऐसे ऐसे चीज़ें हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी है और वो बेहतर चीज़ें जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं वो हमें मदद करती हैं दूसरा क्या होता है ना दोस्तों देखो एनसीआरटी हमारी जो बुनियादी अवधारणा है उनका निर्माण करती है जैसे मैंने आपको बताया मेन्स का पेपर दो में चेंज हो गया है है ना नया पैटर्न आया है इस नए पैटर्न के अंदर में किसी भी चीज की फंडामेंटल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है जब मैं आपको बोलता हूं ना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मैं अगर परिभाषा पूछने लग जाऊं तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे एटमोस्फेयर होता क्या है परिभाषा बेसिक फंडामेंटल नहीं पता होता आपको तो ये जो बेसिक है बुनियादी अवधारणा है आपका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है आपका किसी भी चीज का पॉलिटी का फंडामेंटल स्ट्रक्चर कि पॉलिटी क्यों है क्या है क्या पढ़ते हैं पॉलिटी में कितने टाइप की गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन होते हैं अलग अलग ऑर्गन कौन कौन से काम करते हैं आपको पता चलता है कि अच्छा जोग्राफी के अंदर में कितनी ब्रांच होती है किस ब्रांच में क्या पढ़ते हैं ठीक है एटमोस्फेयर पढ़ना है तो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये जो फंडामेंटल चीजें हैं ना ये आप कलेक्ट कर पाते हो एन से वरना नहीं हो पाती तो एनसीईआरटी जो है दे आर द एबीसीडी वो आपकी क्या है दोस्तों एबीसीडी है जो आपके फंडामेंटल है जो आपके बेसिक्स हैं जो आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके मजबूत हो जाते हैं आप एक काम करो सीधी जाके रमेश सिंह पढ़ो आप इकोनॉमिक्स की भाई नहीं आएगा समझ में मिश्रा एंड पुरिया कोई भी किताब उठा लो आप पढ़ो आपको समझ नहीं आएंगी आपको कब समझ में आएंगी बताओ आपको तब समझ में आएगी आपको मैं बता देता हूं अगर आपको सही में इकोनॉमिक्स सीखनी है तो आप पहले इलेवंथ क्लास की एनसीआरटी पढ़ते हो ठीक है तब वो दिमाग में घुसती है कि अच्छा ऐसी चीजें हैं क्योंकि तो इसमें बेसिक बेसिक बातें होती हैं कि पॉवर्टी क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ग्रोथ क्या होता है डेवलपमेंट क्या होता है ये चीजें होती हैं बहुत माइनर होती है बट हमें वहीं से पता चलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है है ना तो जो हमारी बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो किसी चीज को सीखने के लिए हमें जरूरी होते हैं वो चीजें यहीं से हमारी क्या होती है क्लियर होती है कहां से दोस्तों एनसीआर का जो हमारा बुनियादी जो अवधारणा है जो हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो एनसीआरटी तैयार करती है तो एनसीआर के लाभ क्या है दोस्तों पहला लाभ है कि तैयारी शुरू करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है दूसरा ये हमारी बुनियादी अवधारणा जो है उसको मजबूत करती है दोस्तों अच्छा ऐसा नहीं है कि एनसीआरटी ऐसे ही किसी अरे गहरे आदमी ने लिख दी भाई साहब जो प्रख्यात लेखक है सरकार ने उनको पकड़ा है ठीक है बिपिन चंद्रा ने एनसीआर लिखी हुई है हिस्ट्री की ठीक है जो मा, जाने माने स्कॉलर हैं हिस्ट्री के तो सारे के सारे जित जिन्होंने भी ये किताबें लिखी है की दोस्तों वो बहुत प्रसिद्ध ठीक है स्कॉलर रहे हैं अपने उसके तो उन्होंने लिखी है किताबें तो ऑब्वियस ही बात है जो लेखक हैं इनके ठीक है जो राइटर हैं तो एक अच्छे राइटर का टच इन सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर मिला हुआ है है ना जो कोई भी सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री पॉलिटी जोग्रफी तो सबके ऊपर में एक अच्छे राइटर का टच है एंड दैट्स वाई आपकी एनसीआरटी की किताबें जो होती हैं वो आपकी और भी मजबूत हो जाती है और भी अच्छी हो जाती है एक चीज और होती है दोस्तों आप कई किताबें देखोगे तो हो सकता है एक में ये डेटा लिखा है दूसरे में ये डेटा लिखा है तो आपको पता नहीं होता कि कौन सा डेटा सही है और किसको इस्तेमाल करें लेकिन जब आप एनसीआरटी की किताबें पढ़ते हो तो आपको डेटा के ऊपर शक करने की आवश्यकता नहीं है जो एनसीआरटी में लिखा है वो प्रमाणित रहेगा जो एनसीआरटी में लिखा है वो सही है तो जब डेटा करेक्शन की बात आती है जो प्रमाणित चीजें हैं जो एक्चुअल चीजें हैं जो फैक्ट्स हैं जो हार्ड कोर चीजें हैं अगर आपको वो पढ़नी है तो भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो एनसीईआरटी में एरर नहीं होता है तो इसीलिए भी एनसीईआरटी जो है दोस्तों वो हमारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो दिया होता है जो सूचना जो इंपॉर्टेंट जो हमारी इंफॉर्मेशन दी होती है दैट इज हंड्रेड परसेंट ऑथेंटिक इसके बाद दोस्तों एनसीआर से इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कई बार ऐसा हुआ है कि एन से सीधे सवाल आते हैं लेकिन दोस्तों एनसीआरटी से सीधे सवाल मैं आपको बता रहा हूं पांच से लेकर सात सवाल से ज्यादा नहीं आते ठीक है पांच से सात क्वेश्चन आएंगे या पांच से भी कम ही आते हैं पांच से सात आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जोर मार रही है तो आ जाएंगे और इन पांच से सात में भी सीधे नहीं आते वो उसमें हो सकता है चार स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट सीधा एनसीआरटी में से हो ठीक है या वो टॉपिक की उसकी लैंग्वेज ऐसी हो कि वो एनसीआर में हो तो हमें ऐसा भ्रम हो जाता है देखो एन में आया फिर हमारे जैसे ही लोग हैं उनको बनाने वाले हम ही कह देंगे जब एन जब प्रलिम्स होगा तो हम ही ढोलक बजा के खड़े हो जाएंगे ये देखो एन से आया देखो आओ आ जाओ आ जाओ एन हम ही ऐसे इवेंट करते हैं है ना बट ऐसा नहीं होता सारा पेपर एन से नहीं होता एग्जैक्ट बिल्कुल एन से नहीं होता कुछ क्वेश्चन होते हैं एक दो एक के दुख के तीन चार मान लो पाँच मान लो यार पाँच क्वेश्चन डायरेक्ट फंस जाते हैं बट पाँच क्वेश्चन का मतलब है पाँच दो नहीं दस नंबर ठीक है दस नंबर थोड़ी यूपीएस से निकल रहा है बट हा दस नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जरूर जाएगा अगर नहीं मिले तो है ना तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है 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 हमारे पास अब अब मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आर सम मिथ ठीक बढ़िया चीज है मैं मना नहीं कर रहा लेकिन कुछ एनसीआर की मिथ भी हैं वो भी देख लो देखो सबसे पहला मिथ क्या है दोस्तों ना हम एनसीआर को ना बस अल्लाह दीन का चिराग समझते हैं ठीक है जैसे मैं देखता हूं कई बच्चे कमेंट बॉक्स में दे आर द डाई हार्ट फैन ऑफ एनसीआर ठीक है सिर्फ एनसीआर चाहिए उनको हिस्ट्री कोई भी क्लास हो रही हो करंट अफेयर चल रही हो एडिटोरियल चल रही हो कोई ओरिएंटेशन क्लास चल रही हो उनको एक ही मतलब है टी पढ़ा दो दसवीं क्लास की या नौवीं क्लास की एनसीआर दोबारा शुरू कर दो एनसीआरटी उनके लिए अल्लाह दिन का चिराग है कि जो मांगेंगे इसको पढ़ के वो मिल जाएगा ये तुम्हारा भ्रम है मिथ है सिर्फ इनको पढ़ने से नहीं होगा भाई आपको स्टैंडर्ड किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी कोई शॉर्टकट नहीं है पढ़ना पड़ेगा आपको समझ में आ रही बात ठीक है।, है तो ये एक बड़ा मिथ है कि हमने एन पढ़ ली तो बहुत ज्यादा हो गया और इसमें गलती आपकी नहीं है इसमें वो टॉपर्स जो है ना उन्होंने माहौल बना रखा ऐसा। है ऐसा दूसरा है दोस्तों न्यू वर्सेस ओल्ड का महामुकाबला ये भी एक भ्रम है कई बच्चे मानते हैं कि पुरानी एनसीआर अरे देखो एक बात बताओ नई पुरानी कुछ नहीं होती कहां से लाओगे पुरानी पुरानी जब तक लेके आओगे उसमें एक महीना खराब हो जाएगा फिर पुरानी फोटो कॉपी मिलती है उसको पढ़ के तुम आँख फुड़वा लोगे अपनी है ना तो बेहतर क्या है नई एन पढ़ो ना खरीदने की जरूरत होती एन की वेबसाइट है उस पर से ऑनलाइन पढ़ो आराम से है ना अब एक और दिक्कत सर जी हम तो ऑनलाइन ही पढ़ सकते अरे मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ ऑनलाइन नोट्स बनाता हूँ ऑनलाइन तुम्हें पढ़ाता हूँ मैं सारे काम करता हूँ और यकीन मानना 2019 जनवरी में मैं एक ऐसा आदमी था जिसको पीपीटी बनानी नहीं आती थी ट्रस्ट मी भगवान कसम खा के कह रहा हूँ मुझे 2019 के स्टार्टिंग में जनवरी में मुझे नहीं पता था कि पीपीटी कैसे बनाते हैं ठीक है सच पूछो तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पीपीटी पावर पॉइंट होता क्या है मैं आपको सच बता रहा हूं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको मुझे नहीं पता था तो नए पुराने के चक्कर में मत पढ़ो दोस्तों ये ओल्ड वर्सेस न्यू का महा मुकाबला बकवास की बात है अगेन एक मिथ है इसके अलावा दोस्तों देखो टॉपर का जो राग है यार इनका छोड़ दो यार ठीक है आप ये टॉपर के राग के चक्कर में मत पढ़ो यार ठीक है ये टॉपर क्या कहता है टॉपर कहता है सिर्फ एनसीआर पढ़ो एनसीआरटी जरूरी है वगैरह भाई इतना जरूरी नहीं है देखो ये आ गया एक और एनसीआरटी जोग्राफी नेक्स्ट चैप्टर कब करेंगे देखते हैं ठीक <laughs> है देखते हैं कब करेंगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास क्या है अच्छा कुछ चीजें मैं और बता देता हूं ठीक है अब एनसीआर पढ़ने का बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए देखो सबसे पहले दोस्तों एनसीआरटी में यू हैव टू बी सेलेक्टिव सेलेक्टिव कैसे जैसे हम बार बार बोलते हैं एक बच्चे ने अभी पूछा भी था मेरे से कि सर सिक्स से ट्वेल्थ की कौन सी पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए या कौन सी एनसीईआरटी हमारे लिए ज़रूरी है कौन सी नहीं है देखो मैं पहले बोल रहा हूँ कि हर आदमी की एक अलग ज़रूरत होती है ठीक है एक चीज़ सब पे काम नहीं करती तो हर आदमी के लिए वो चीज़ें अलग अलग होती हैं तो आपके लिए भी जो एनसीईआरटी की डोज है वो अलग अलग होती है अब आपको उसके लिए सेलेक्टिव रहना पड़ता है जैसे मैंने बताया था कि कोई सब्जेक्ट है सपोज जोग्राफी आपका बहुत वीक है आता ही नहीं है इंटरेस्ट ही नहीं है मजा भी नहीं आता ठीक है बस ऐसा मन करता है कॉपी किताब फाड़ दो आप तो ऐसे में आपको जरूरत है उस सब्जेक्ट को बिल्कुल सिक्स क्लास से पढ़ने की जीरो लेवल से उठने की और कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा है आप कंफर्टेबल हो आपने पढ़ा भी है याद भी है आपको आता भी है तो डोंट वेस्ट योर टाइम आप सीधा इलेवन ट्वेल्थ का पढ़ो ठीक है तो आपको सेलेक्टिव रहना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आप थोरोली करने लग जाओ कि चलो भाई यहाँ से शुरू करता हूँ और वहां तक जाता हूँ अच्छा जब आप पढ़ते हो मान लो सिक्स क्लास में जो आपने पढ़ा वही सेवंथ क्लास में दोबारा आएगा एट्थ में दोबारा आएगा वो बार बार चीजें आएंगी तो जरूरी नहीं है कि आप बार बार वही राह गल बोल बाय बोल आप उसी चीज़ को पढ़ो ऐसा ज़रूरी नहीं है क्रिकेट कमेंट्री थोड़ी ना हो रही हर बोल की कमेंट्री करनी पड़ेगी भाई ये बोल पढ़ के बाहर गया ये बोल पढ़ के अंदर आया ये बोल पढ़ के सीधा चला गया अरे बॉल थी फेंक दी ठीक है तो बोल बाय बोल कॉमेंट्री जो है यहाँ पर वो आपको नहीं करनी है तो यू हैव टू बी सेलेक्टिव आपको बहुत सिलेक्टिव यहां पे रहना है अच्छा नोट मेकिंग के बारे में बता देता हूं अब कई बच्चे कहते हैं सर हम नोट्स नोट्स बनाते हैं मत बनाओ यार NCRT के नोट्स नहीं होते हैं नहीं बनते एनसीआरटी के नोट्स क्यों बनाने NCRT के नोट्स एनसीआरटी खुद ही नोट्स के फॉर्म में होती है बहुत छोटी छोटी बातें लिखी होती है मैं गारंटी दे रहा हूं तुम एनसीआरटी के नोट्स बनाओ यू विल एंड अप अपटिंग एन अदर बुक आप एक और किताब लिख दोगे सच बता रहा हूं आप लिखो एनसीआर आप नोट्स बनाने बैठो बाय द एंड यू विल मेक अनदर बुक आप एक किताब और बना के छोड़ दोगे ठीक है आप लिखना शुरू करोगे आप एक नई किताब लिख के छोड़ दोगे कि आ जाओ ये किताब और बना दी तो नोट्स कभी मत बनाओ और आप पहली रीडिंग कर रहे हो यार सेकंड थर्ड रीडिंग आप इनकी नोट एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है किसी भी किताब में सत्तर से ज़्यादा पेज नहीं होते उसमें से पढ़ने के मुश्किल से पचास पेज होते हैं रिवीजन करने बैठो दो घंटे में पढ़ दोगे ठीक है तो कभी भी इनके नोट्स मत बनाओ हाँ नोट्स बनाने आपको स्टैंडर्ड बुक्स के बनाओ किताबों के बनाओ कभी भी इसके मत बनाओ या जब किसी टीचर से पढ़ते हो जैसे मैं पढ़ाता हूं तो पी ले लो ठीक है अब वो मेरी ऑब्वियस ही बात है मैं पी देता नहीं हूं तो जो मैं क्लास में पी बनवाता हूं वो बहुत शॉर्ट फॉर्म होता है वो आप नोट कर सकते हो बोर्ड से ठीक है उसके नोट्स बनाना चाहो सो वो यूजफुल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे और बहुत कंसाइज होते हैं ठीक है तो वो आप कर सकते हो नोट मेकिंग की बात हो गई है अच्छा इसके बाद क्या होता है ना दोस्तों यू हैव टू लाइक क्रैक द कोड क्रैक द कोड का मतलब क्या है पता है एनसीआरटी में एक छोटी सी लाइन लिखी होती है ऐसे और उसका बहुत डीप मतलब होता है आप लाइन पढ़ के निकल जाओगे और आपको पता भी नहीं होगा उसी लाइन से सवाल आ जाएगा एनसीआरटी में छोटी छोटी लाइनों में बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन दी होती है एन को डिकोड करना पड़ता है सच बता रहा हूं कोडिंग डिकोडिंग लगती है उसमें भी एनसीआरटी में कम छोटे लेवल पर नहीं लगती बट जैसे जैसे आप टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ तक जाते हो तो वो बहुत ही ज्यादा क्विफाई हो जाती है क्योंकि कम शब्दों में पूरी किताब लिखनी होती है होता है ना वो खुद की के नोट्स के फॉर्म में होता है तो आपको डिकोड करना पड़ता है यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस आपको लाइन के बीच में जो क्या लिखा है वो पढ़ना है वो समझना है वो बहुत जरूरी है है ना इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों यू हैव टू क्रैक दैट कोड आपको वो कोड जो है वो क्रैक करना पड़ता है आपको समझना पड़ता है कि उसके अंदर में क्या लिखा है ठीक है वो बहुत जरूरी है आपके लिए अदरवाइज तो फिर वही बेकार वाली बात हो जाएगी ठीक है सो यू हैव टू क्रैक द कोड आपको कोड क्रैक करना पड़ेगा दोस्तों आपको समझना पड़ेगा आपको चीजें देखनी पड़ेंगी तो एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ते हो ना तो ऐसे ही मतलब एक इंस्ट्रूमेंट आता है ऐसा मेरे पास है ऐसा मेरे से ले जाना ये आपको हेल्प करेगा कोड को क्रैक करने में ठीक है कहने का मतलब अलर्ट रह पढ़ना पड़ेगा आपको ठीक है इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं देखो आपको जो करंट अफेयर है आपका उसके साथ और जो आपकी स्टैंडर्ड किताबें हैं उनके हाई लेवल मटेरियल के साथ उसको कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा जोड़ना भी पड़ेगा ग्रोथ डेवलपमेंट मैंने पढ़ लिया बट उस ग्रोथ डेवलपमेंट को आपको पॉलिटी से आपको इकोनॉमिक से आपको हिस्ट्री सब जगह से कनेक्ट करना पड़ेगा ये इंटरलिंकिंग जो है ये करनी पड़ती है अब दोस्तों यहां पर आके ना चीज़ें मुश्किल हो जाती है सर इंटरलिंकिंग भी सर नोट्स भी समय अगेन मैंने बोला ना समय टाइम टेकिंग प्रोसेस है ठीक है तो हार तो मानो मत यार मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप छोड़ दो हार मान लो है ना भाई आपको करना है देखो सपना आपका है आपको देख लो ठीक है तैयारी करनी है नहीं करनी कितनी आपको आगे जाना है कितना नहीं जाना इट्स ऑल योर चॉइस हम तो बस आपके साथ खड़े हैं आज भी खड़ा हूँ आगे भी खड़ा रहूँगा ठीक है जितनी हिम्मत है लगा रहूंगा आप लोगों के साथ में बट जाना अल्टीमेटली आप ही को आगे है दोस्तों तो ऐसी अवस्था में ना आपको थोड़ा सा खुद से एफर्ट जो है वो ज्यादा करने पड़ेंगे ज्यादा एफर्ट आपको अपने से मारने पड़ेंगे है ना अच्छा ये सारी चीजों का समाधान आपको मिल सकता है ठीक है अगर आप कोई बच्चा है जो चाहता है कि सर मैं अपना समय बचाना चाहता हूं मेरे पास इतना समय नहीं है जिसके पास है मैं बता रहा हूं खुद से पढ़ो दी बेस्ट है ठीक है जिसके पास बहुत समय है जिसके पास चार पांच साल है आराम से पढ़ो कोई टेंशन नहीं है बट जो बिल्कुल कंसाइज एक

सारा का सारा जो आपका सिक्स से ट्वेल्थ का जितना भी माल है उसको निचोड़ के आपको गुटी बना के पिला दूंगा साथ साथ नोट्स होंगे और मैं नहीं बाकी के एजुकेटर भी हैं जो आपको बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे तो यह आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है एक बहुत अच्छा कोर्स है ठीक है लो कॉस्ट है बहुत ही ठीक है सिर्फ चार हजार रुपए के अंदर है तो जिन बच्चों को करना है दोस्तों ज्वाइन यह आपकी एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है तो बस आपको कोड यूज करना है दोस्तों सुमित टेन और जाके आपको इस NCRT के बैच को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है जिस भी बच्चे को करना है यू कैन गो एंड सब्सक्राइब दिस बैच बाय यूजिंग द कोड सुमित एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों मेरे दो ये बैच हैं ठीक है सब्सक्रिप्शन की जब बात आती है तो दो कोर्स होते हैं प्लस और आइकॉनिक दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड सुमित दोनों में ही कोड आपका क्या रहेगा सुमित टेन ध्यान रखना यहाँ पे लाइव क्लास वीकली टेस्ट होते हैं स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड क्लासेज आप कर सकते हो लेकिन अगर आप चाहते हो आपके लिए वीकली टेस्ट का कोई टेस्ट एनालिसिस करे एक्सपर्ट गाइड करे आपको स्टडी मटेरियल मिले स्टडी प्लानर मिले इन शॉर्ट आपको पर्सनल गाइडेंस मिले तो आप आइकॉनिक कोर्सेज के लिए जा सकते हो उन अकेडमी के दोनों में कोड सेम ही रहता है सुमिट टेन ठीक है बाकी ऑफर मैंने बताया था इंडिपेंडेंस के बाद वो ऑफर ट्वेंटी परसेंट का चल ही रहा है इकत्तीस तारीख तक आपके पास है तो वो ज्वाइन कर सकते हो बस बाकी मेरा कोड ध्यान रखना मेरा कोड है सुमिट टेन ये मेरा क्या है दोस्तों दिस इज़ माय ठीक है वो आपका इंस्टा टेलीग्राम चैनल एक बात और है दोस्तों देखो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक नहीं दिख रहा अरे यार इसमें लिंक होना चाहिए था यार पता नहीं क्या करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ठीक है तो इस लिंक को आप क्या कीजिएगा दोस्तों इस लिंक को क्लिक कीजिएगा और गूगल फॉर्म में इसको भर दीजिएगा ठीक है या मैं कल एक और क्लास कर दूंगा तो उसमें भी गूगल फॉर्म में अटैच करा दूंगा मैं एक बार देख लेता हूँ ये गूगल फॉर्म है नहीं है फिर मैं कमेंट बॉक्स में आपके यहां पर ना ठीक है लिस्ट कर दूंगा तो जिस भी बच्चे को ये सब्सक्रिप्शन लेना है कोई जानकारी चाहिए उस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं तो आपको जो है टीम कॉल कर लेगी ठीक है ऑन दिस थॉट एम एंडिंग दिस सेशन किसी भी बच्चे के कोई डाउट हो दोस्तों मैं क्लास एंड कर रहा हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं खुद आपके डाउट्स पढ़ूंगा और आपके डाउट्स का समाधान भी करने का प्रयास करूंगा थैंक यू वेरी मच टेक केयर